हेलो फ्रेंड्स, संगीताज फ्लेवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको मैगी बनाना सिखाऊंगी। वैसे तो मैगी बनाना बहुत आसान है, लेकिन हम जिस तरीके से मैगी बनाएंगे उसे बच्चे तो खाएंगे ही, उसको बड़े भी पसंद करते हैं उस मैगी को खाना। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। गैस पर कढ़ाई रख दी है, गैस ऑन कर दिया मैंने, और ये मैंने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया है। ये मैंने 1 टमाटर ले लिया है बड़े साइज का, इसको मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है, और 1 हरी मिर्च ले ली है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च स्किप कर सकते हैं, और ये मैं इसमें डाल दूंगी। थोड़ा सा नमक डालेंगे। अगर आप प्याज खाते हैं तो टमाटर से पहले आप प्याज डाल के भून सकते हैं, फिर टमाटर डालें। इसको ढककर टमाटर को गलने देंगे। हम गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। टमाटर गल चुके हैं और हमने ये थोड़ी सी ये फ्रोजन मटर ली है मैंने। आप चाहें तो ताज़ा मटर ले सकते हैं, लेकिन पहले उनको बॉईल कर लें। ये मैं डाल दूंगी इसे। और मैं इसमें 1/4 स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 स्पून धनिया पाउडर, 1/2 स्पून जीरा पाउडर है, ये बना हुआ नहीं है, कच्चा जीरा पाउडर है, और 1/4 स्पून रेड चिली पाउडर, ये हम डाल देंगे इसमें। मसालों को भून लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। और 2 पैकेट मैगी मसाला, इसको भी डाल देंगे। आधा मिनट के लिए हम इसका मसाले को भून लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया। ये मैंने 2 पैकेट मैगी ले ली है, 10-10 वाले, 10-10 रुपए वाले 2 पैकेट लिए हैं ये मैंने, और मैंने इनको क्रश कर लिया है। ये मैं इसमें डाल दूंगी। गैस की फ्लेम हाई कर लेंगे। अभी थोड़ा पानी मैं इसमें और डालूंगी। हमें पानी इसमें इतना डालना है कि हमारी मैगी जो पानी में डूब जाए। हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। मिक्स कर देंगे इसको। इसको ढककर 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। मैगी हमारी तैयार हो चुकी है।
अगर आपको सूपी मैगी पसंद है तो आप इसी स्टेज पर गैस बंद कर सकते हैं, और अगर आपको मैगी में पानी बिल्कुल पसंद नहीं है तो आप 2 मिनट के लिए और इसको इस तरह से ही चलाना, आधा मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए नहीं, आधा मिनट के लिए आप इसको इस तरह चलाना, तो इसका पानी बिल्कुल सूख जाएगा। मैगी तैयार हो चुकी है, गैस की फ्लेम बंद कर देंगे हम। इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी टेस्टी टेस्टी मैगी। अगर आपको मेरा मैगी बनाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।